हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। में मैं हूं आपको अपना राजभराज आपके सामने एक बार फिर से एक्सट्रीम, और ये एक्सट्रीम कोई नॉर्मल एक्सट्रीम नहीं, ये है मिर्जापुर वाला भैया की, जो कि इसे राइड करेगा। सुबह 4 बजे आए थे और यहां पहुंचे 9:15 बजे हमारे पास काम कराने के लिए। तो सोच सकते हो कि मोडिफिकेशन है कितना पागलपन, ये पागलपन आप लोगों में है जैसे कि भाई के अंदर है। इसे पागलपन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जुनून होना चाहिए चलाने का, मेरे बस की तो नहीं है भाई चलाने। मैं आपकी अपनी बात करूं तो मैं ज़्यादा 200-300 किलोमीटर जा सकता हूं, इससे ज़्यादा मैं नहीं चला सकता। बाकी अब पहले बाइक की मॉडिफिकेशन देख लो, इसके अंदर ऑल अबाउट टोटल मॉडिफिकेशन है, जो कि कहते हैं ना मोस्ट लोडेड। तो ये टॉप नोच मॉडिफिकेशन जो कि मिलेगी आपको A to Z, 1 to All, क्योंकि जब इतनी दूर से आई है 850-850 किलोमीटर चलकर, तो समझ सकते हो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे जो इसके अंदर ना हो। देख सकते हैं और आए हुए मुश्किल से 20-25 मिनट हुए हैं और इसमें आधे ज़्यादा वर्क हमने कर चुके हैं, जैसे कि लाइक लंबचन देख रहे हो पीछे चालू हो चुकी है, इधर मिरर लग चुके हैं, लीवर गार्ड लग चुके हैं, नंबर प्लेट होल्डर लग चुका है, फॉग प्रोटेक्शन फॉग स्लाइडर ये लगना बाकी है, क्रैश गार्ड लग चुका है, फॉग लैंप लग चुके हैं, और अभी जो जो मॉडिफिकेशन है सारी मॉडिफिकेशन हम आज रात को कंप्लीट करके जाएंगे। कल भैया की मर्जी है, भैया जा भी सकते हैं, भैया कहीं घूमना है तो घूम भी सकते हैं। और हम ना पहले बीच में मिलाता हूँ भैया से, क्योंकि भैया आए हैं तो आपको पता ना कि मिलना ज़रूरी है। आइए सर, तो वेलकम सर आपका आने के लिए हमारे पास। तो आप बताइए कि क्या सोचकर आए हैं और क्या लगता है हमारे बारे में आपको, क्या सोचते हैं? आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे और काफ़ी लोग को देखा, लेकिन आपका जो काम था अच्छा लगा हुआ और आपका जो व्यवहार भी अच्छा लगा, आपसे बात भी हुआ। तो आपसे मैंने बोला था संडे को आने के लिए, लेकिन मैं शनिवार को सुबह 4 बजे निकल गया वहाँ से मिर्ज़ापुर से, और यहाँ पर रात 8 बजे तकरीबन मैं आ गया। तो आपको कॉल किया तो आपने तुरंत मेरा फ़ोन उठाया, उसके बाद गाड़ी जैसे लाया वैसे काम स्टार्ट हो गया मेरा तुरंत ही ऑटोमेटिकली। हम सोचे थे कल काम होगा लेकिन तुरंत ही काम हो जा रहा है। अब एक दिन का मुझे टाइम मिला घूमने का आराम से, मैं कल घूम लूँगा सुबह, फिर सोमवार को निकल जाऊँगा। समझ गए। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी गाड़ी आप लोग लाते हैं ना, दूर से आते हैं, कभी भी टाइमिंग का इशू नहीं है, शॉप हमारी ओपन होनी चाहिए। आप अगर आ गए हो तो रात को 10 ही बज रहे होंगे ना, तो भी हम आपको काम करके जाएंगे, चाहे रात को 12 बजे चाहे 1 बजे चाहे बज जाए 2, टाइमिंग नो इशू हमारे लिए। सुबह की बात रही, अगर जैसे भैया सवेरे जल्दी आना चाहते हैं जो लोग, तो आप हमें कॉल कर सकते दिन पहले कि भैया मैं कल 6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने बजे आप आना चाहो उतने विजिट कर सकते हो शॉप पर। शॉप आपको ओपन मिलेगी क्योंकि आपके राजभाई ने खुद ही यहाँ पर आ जाता है उस टाइम पर, क्योंकि आप लोग दूर से आ सकते हो, तो मैं तो मेरे घर तो 7-8 किलोमीटर है, मैं तो ईजिली आ ही सकता हूँ। तो ये था, बाकी करते हैं इसको कम्प्लीट। और बाकी भैया ने बताया नहीं मिर्ज़ापुर में कहाँ से हैं, पूछ लेते हैं। मिर्ज़ापुर पिक्चर आई है वैसे, मैंने देखी नहीं भैया, इनके अड़ोस पड़ोस की बनी कहीं दूर की बनी है, बताइए भैया। मुझे खुद पता है कहाँ बनी है सर, सीन कहाँ कहाँ से उठे मुझे खुद नहीं पता है फिलहाल के लिए, थोड़ी थोड़ी सीन मिर्ज़ापुर का है। और मैं मिर्ज़ापुर छोटी मिर्ज़ापुर में रहता हूँ, बिहार में कटक वाली छोटा मिर्ज़ापुर मेरा एड्रेस है। समझ गए, इनसे मिलना हो ना तो मिल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है भैया, मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। आप करते हैं कम्प्लीट, और इसका टाइटल है वो भी बना रहा है मिर्ज़ापुर से आई एक्सट्रीम भैया चला के लेकर, ये इसका टाइटल है मिर्ज़ापुर। आपको पता है क्या करना है, करना कुछ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, और भाई स्टडी मिलेगा आपको यूट्यूब पर भी, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर। तो करते हैं कंप्लीट, फिर दिखाते हैं पूरी वीडियो इसकी। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो बाइक आई थी कल रात को, जो रात को 9 बजे आई थी, तो रात को हमने इसे कंप्लीट कर दिया 90%, 10% वर्क था वो हमने इसका कर दिया, अब डन इसके अंदर। और अब और जो मॉडिफिकेशन है वो चेकआउट कर लो किस तरीके से इसके आने वाली है लोने के बाद, क्योंकि ना सबसे जो मेन है इसका जो हमने फोकस दिया वो वाइज़र के अंदर दिया है, ये थोड़ा डिफरेंट वाइज़र इसके अंदर लगा दिया कार्बन कलर का, जो कि इसको लुक को 4 चांद लगा, बाकी किसको अच्छा लगेगा किसको नहीं लगेगा, जिसको अच्छा लगे उसको वैलेंट गुड, जिसको नहीं चला उसके वैलेंट गुड, क्योंकि मेरी पसंद नहीं होती, कस्टमर की भी चॉइस होती है, जो पसंद आता है मैं करता हूँ वो काम। तो ये लगा देगा भाई सर, लुक चेक कर लो फ्रंट से इसकी किस तरीके से आ रही है लगने के बाद। और साथ में ना इसके अंदर जो मिरर है वो आपने लाइटिंग वाले बहुत सारे देखे थे, बट ये नॉन लाइटिंग वाले जो आपके अंदर लगा देंगे, क्योंकि लाइटिंग वाला जो माल है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है हमारे पास, जो थे वो अब स्टॉक आना बंद हो चुका है, जब आएगा तो मैं दोबारा से कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल नॉन लाइटिंग आपके विंग्स मैंने लगा देंगे, देख सकते हो आप, जिसे आप चाहो तो इसके अंदर विजिबल भी कर सकते हो पीछे, और ना इसका विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी, क्योंकि ना काफ़ी ब्रॉड के अंदर है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, बहुत ही हैवी क्वालिटी के अंदर है, जो कि इसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं हमारे द्वारा। और आप चाहो तो इसका विंग्स भी बना सकते हो, जैसे कि पता है एयरप्लेन मोड वो भी एक्टिवेट हो जाता है इसके अंदर। और इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर, देख सकते हो ये इसका बोबोक ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जो कि मिलता है आपको फास्ट चार्जिंग वाला, और इसके साथ आपको मिलता है डाटा केबल भी फ्री, जो कि इसके अंदर ही आती है, आपकी सी टाइप भी होता है उसके अंदर, और एप्पल भी इसके अंदर चार्ज हो जाता है। और इसकी मिलती है पूरी 1 साल गारंटी, बोबो के ना जितने मॉडल सारे अपने पास अवेलेबल हैं,
कभी भी किसी को चाहिए तो इजीली हमारे पास से ले सकते हैं वो। साथ में इसमें लगा दे की कवर, जो कि देख सकते हो आप की कवर है, ये भी इसके अंदर शॉर्ट कर दिया गया है और की कवर लगने लुक थोड़ी सी और इनहेंस हो जाती है की से, ऐसा लगता है किसी बड़ी बाइक की हो। वैसे तो बाइक ही बहुत बड़ी कर दी गई इस टाइम ये, क्योंकि आप देख सकते हो लोडेड बाइक है। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसमें हैज़ार्ड, ये देखिए जितनी बार इसको पैटर्न चेंज करूँगा पुश करूँगा पैटर्न हो जाएंगे इसके चेंज, 20-25 पैटर्न के अंदर आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। और इसकी मिलती है आपको पूरे एक साल की गारंटी, जब भी ख़राब हो सीधा होता है चेंज काउंटर प्लेसमेंट। इधर आपको मिलेंगे देख सकते हैं ये इसके हैंड ग्रिप जो कि लगा देंगे गोल्डन प्लस ब्लैक की मैचिंग के साथ, काफ़ी जबरदस्त लुकिंग के साथ। साथ में लगा देंगे इसके अंदर लीवर गार्ड जो कि कार्बन और गोल्डन की मैचिंग के साथ है, इससे आपका लीवर और हैंड दोनों होते हैं पूरी तरीके से प्रोटेक्ट। सेम इधर सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ लुक, चेकआउट कर लो किस तरीके से इसकी आने वाली है, बैक से भी और फ्रंट से भी, फ्रंट से भी चेकआउट कर लो। ये देखिए अल्टीमेट लुक निकल कर आ रही है लगने के बाद। और साथ में उसके बाद दिखाऊंगा आपको विंगलेट, ये विंगलेट जो कि लगा दी गई इसके अंदर लुक इनहेंस करने के लिए, देख सकते हो ऐसा लगा कंपनी का पार्ट हो जो कि इसके अंदर लगा। कलर के कोई इशू नहीं है, कलर आप इसके अंदर कोई भी हमसे ले सकते हैं। साथ में नंबर फ्रेम जो कि लगा दी गए, ये होता है अपना प्रॉपर फिटिंग वाला, देख सकते हो आप प्रॉपर फिटिंग वाला आपका नंबर पर होल्डर है जो कि इंस्टॉल कर दिया गया, देख सकते हो आप। इसमें कोई जुगाड़ नहीं, सीधा इजी टू फिटेड है, कहीं कोई कोरियर मंगाता तो भी इजीली फिट हो जाता है। साथ में आपको मिलता है शॉकर प्रोटेक्शन, इधर मिलता है फॉक्स राइडर, शॉक बटन फॉक्स राइडर से आपका मडगार्ड और शॉकर, ये होता है पूरी तरीके से सेफ। सेम इधर सेम देखेंगे आपको इस तरफ दोनों तरफ लुक चेकआउट कर लो किस तरीके से लुक आती है इसकी लगने के बाद। और कलर का कोई टेंशन नहीं है, कलर आप चाहो तो कोई भी इसके अंदर ले सकते हो। और उसके बाद दिखाता हूँ वो क्रैश गार्ड जो कि आप देख सकते हो, ये इंस्टॉल कर देगा वही जो हम लगाते हैं अपनी इस बाइक के अंदर। और ये होता है आपको प्रॉपर फिटिंग वाला क्रैश गार्ड, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रीमियम क्वालिटी में यूज़ करता हूँ, प्रीमियम क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, तो वही इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए ड्यूल स्लाइडर के साथ। फिटमेंट चेक कराया था आपको, एक इस तरफ और एक मिलता है आपको आगे की तरफ। तो ये इसकी प्रॉपर फिटमेंट जो कि आपको पता ही है, अगर गाड़ी गलती से आपकी गिरती है कुछ भी तो स्क्रैच नहीं होता आपकी बाइक पर, साथ में आपको पैर भी पूरी तरह बच जाते हैं और उसके टिप्स भी होते हैं पूरी तरीके से सेफ। और साथ में इसकी इधर भी देख लो फिटमेंट, फिटमेंट आप इधर भी चेक कर लो, दोनों तरफ आपको मिल जाते हैं देखने को। और इसके बाद इसमें लगा देंगे फॉग लैंप जो कि यहाँ टू फ्यूचर आई, और इसकी दिखाता हूँ आपको रोशनी किस तरीके से आने वाली है इसकी। ये देखिए ये हो गया इसका येलो जो कि आप देख सकते हैं, ये हो गया वाइट, येलो वाइट येलो वाइट, तो ये इसके अंदर रोशनी है कुछ इस तरीके से। जब भी ये नाइट में निकलेगी ना तो रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इसे लगाने के बाद। और इसको एक्टिवेट करने के लिए स्विच है देख सकते हैं मेटल का, जिससे ये ऑपरेट होती है। ये देखिए इधर करेंगे तो आपका येलो हो गया बीचों बंद, और इधर करेंगे तो हो जाएगी वाइट। तो ये मेटल वाला स्विच है जो हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, वैसे नॉर्मली लोग के अंदर प्लास्टिक वाला लगा देते हैं बट उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, वायरिंग वगैरह इशू इसके अंदर हो जाता है आपका। और साथ में इसमें दिखाऊँ हॉर्न जो कि इसमें पहले हॉर्न था भैया का, ई रिक्शा का काम है तो उन्होंने ई रिक्शा का एक हॉर्न इसके अंदर लगा दिया था, अटैच मैंने वो हटा दिया, मैंने इसके अंदर पूरा सेट कम्प्लीट लगा दिया। देखिए ये साउंड कुछ इस तरीके से मिल जाती है इसके अंदर, और कोई भी चलान का इशू नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि ये आपका बिना चलान वाला हॉर्न जो कि नॉर्मली बाइकों के अंदर हम लगाते हैं, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी, सबके अंदर ही इजीली लग जाता है। साथ में आपको देख लें गियर शॉक्स, ये भी इसके अंदर है, जिससे शूज़ वगैरह ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो रबड़ होती है ना वो आपके शूज़ को ख़राब कर देती है, तो ये उसको छोटी सी रबड़ बचा देती है। साथ में आपको देख लें साइड स्टैंड जैकेट, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, इससे आपका स्टैंड जो है ना जब भी लगाते हैं तो एक तो कोई भी कीचड़ हो पानी हो रेत हो कहीं भी हो स्टेबल खड़ी रहेगी आपकी बाइक, और स्टैंड भी आपका घिसने से बिल्कुल हो जाता सेफ, पूरा हो जाता सेफ। देख सकते हो ये मेटल का ये भी जो कि इसके इंस्टॉल कर दिया गया है। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इस तरफ तो आपको देखने मिलेगा इसके अंदर ये है ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो इसका ब्रेक पैंडल है वो होता है छोटा सा, देखो दिखाता हूँ ये देखिए बहुत ही छोटा सा है जो कि इसके अंदर मिलता है आपको छोटा सा, और इससे पैर स्किड्स होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं इसके अंदर लगा देते हैं ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, कलर का वो इशू नहीं है इसके अंदर, कलर आपको सारे मिल जाते हैं इसके अंदर, चाहे ब्लैक लो रेड लो ग्रे लो ब्लू लो सारे कलर इसके अंदर हमारे पास मिल जाते हैं। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर एग्जॉस्ट स्लाइडर, ये देखिए ये इसका एग्जॉस्ट स्लाइडर जो लगा दिया गया है, इससे आपका एग्जॉस्ट होता है पूरी तरीके से। ये जो लगाया गया ना काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है साइलेंसर स्लाइडर, इसे लगाने से आपका पूरा एग्जॉस्ट होता है सेफ, साथ में लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद। और उसके बाद मिलता है आपको टैंक पैड, देख सकते हो ये टैंक पैड भी इसके इंस्टॉल कर दे, टैंक पैड लगाने के बाद ना जो स्क्रैचेस वगैरह लगने होते हैं बेल्ट वगैरह से वो इससे होता है पूरी तरह कंट्रोल। कलर कॉम्बिनेशन आप जो मर्जी हो, कलर की कोई टेंशन है नहीं, और ये इंपॉर्टेंट वाला है आप चाहते हो इसके अंदर नॉर्मल इंडियन जो मार्केट में बिकता है चीपेस्ट क्वालिटी वो भी अपने पास अवेलेबल है। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर सैडल स्टे, ये दोनों तरफ सैडल स्टे इसके लगा देगा, देख सकते हो इधर भी सेम मिलेगा आपको इस तरफ, और ये आपका प्रॉपर फिटमेंट वाला, कोई जुगाड़ नहीं, क्वालिटी सिंपली इजी टू फिटेड है जो इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। लेडीज़ फुटरेस्ट भी इसमें लगा देगा, देख सकते हो ऑरिजिनल वाला, ये भी आपको मिल जाता है हमारे पास। और साथ में मिलता है इसमें टॉप रैक, ये देखिए नीचे टॉप रैक भी है प्रॉपर फिटिंग वाला,
वो भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है। और साथ मैंने इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है वो मिलता है आपको टॉप बॉक्स। ये टॉप बॉक्स आप काफ़ी हैवी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का, साथ में विद आर्मरेस्ट देख सकते हो, विद आर्मरेस्ट है जो कि लगा दे यार आप चाहो ना तो ये आर्मरेस्ट खोल कर डिक्की में रख भी सकते हो। अमूमन क्या होता है 45 लीटर या 35 लीटर आपको मिलता है, बट ये आपका 50 लीटर का आपको मिल जाता है। इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इसे समझ सकते हो ना, इसे लगाने के बाद कोई भी हेलमेट वगैरह लगने के रखने के बाद ना साथ में एक्स्ट्रा सामान भी इसके ऐड ऑन कर सकते हो। और स्पेस की बात करें स्पेस देख लो आप, ये देखिए काफ़ी सारा स्पेस के अंदर आपको मिल जाता है जिसमें आप कुछ भी इसके अंदर रख सकते हो। और साथ में इसमें लॉक मिलता है एक्स्ट्रा एडिशनल, अगर इन केस इसका लॉक ख़राब होता है ये वाला तो आपका लॉक एक्स्ट्रा एडिशनल है जो कि आपको देखने मिलता है कुछ इस तरीके से। चाबी वगैरह सब कुछ मिल जाती है इसके अंदर और आप इसको इजीली बंद करने के बाद आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। ये देखिए ये खोला मैंने और ये निकाल दिया, ये देखो ये हो गया डिटैच, जो नीचे की प्लेट है वो लगी हुई है और डिटैच करने के बाद इसको कहीं पर भी आप इसे रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको लगाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि लगाना, आप इसे चाहो तो रख दो कहीं पर भी घर में और लगाना तो सिंपली इजीली ये देखो इस तरीके से फिट हो जाता है ये रहा। ये देखो ये हो गया आपका फिट, कुछ नहीं करना, सिंपली इजी टू फिटेड है, लॉक लगाया आपका ये कहीं भी जाने वाला नहीं है। और बैक साइड में ना आपको देखने मिलेगा इसके अंदर एक मरगार्ड, ये देख सकते हो। अमूमन क्या होता है इसको जो टायर अगर लगाओ ना, वैसे तो बहुत अच्छा टायर अगर दिया हुआ है बट क्या होता है डस्टिंग वगैरह बहुत सारी इसके अंदर आगे जाती है, तो उस केस के अंदर ये एक मरगार्ड एडिशनल मरगार्ड जो कि जुगाड़ करके लगा देगा इसके अंदर, जो इसकी डस्ट वगैरह करता है पूरी तरह कंट्रोल। ये ध्यान दें प्रॉपर नहीं आता, ये सिर्फ होता है जुगाड़ जो कि कर दिया गया इसके अंदर फिटमेंट। दो सुराग इधर होंगे, दो होंगे आपके आगे और ये वैसे प्रॉपर फिट, उसके बाद समझ लो कहीं कहीं भी डस्ट जाने का खतरा हो गया बिल्कुल ही ख़त्म। और ये मिर्ज़ापुर बाइक तो हो गई कम्प्लीट, अब इसका मिलाते हैं भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा फाइनली। देखिए आपने बाइक की मॉडिफिकेशन एक्सट्रीम जो की है ये मिर्ज़ापुर, तो मिलवाते हैं भैया से, इनका नाम गुड्डू भैया है, नाम में खुद बताएंगे क्या नाम है इनका और फिर बताएँ कहाँ से और कैसे हैं। तो आइए सर, तो सर अब फाइनली आपकी गाड़ी तैयार हो चुकी है, बाहर भी निकाल चुका हूँ, बिल भी हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है कम्प्लीटली। अब बताइए अपने बारे में कि आपको कैसा लगा काम, कहाँ से है और नाम क्या है। मेरा नाम शफीक अहमद है, मैं मिर्ज़ापुर से आ रहा हूँ और गाड़ी जो मॉडिफिकेशन हुआ बहुत ही बेहतरीन लगा, जो आप गाड़ी पूरे मिर्ज़ापुर में वन पीस गाड़ी मेरी होगी जिस तरीके से आप मॉडिफिकेशन किया गया है, उस काम से मैं बहुत संतुष्टि हूँ, बहुत ही खुश हूँ और बहुत अच्छा लगा देख के। इतना दूर से आया चला कर बाइक, इतना काम हुआ देखने में अच्छा लगा, तो मेरा काम जितना दूर आने में मेरा सफल हो चुका है। कितने किलोमीटर पड़ता है आपका यहाँ से? टोटल 800 किलोमीटर पड़ता है। टोटल 800 किलोमीटर, टोटल 800 किलोमीटर मेरे घर से। कितने बजे आए थे और कितने बजे निकले थे सुबह? हम 4 बजे वहाँ घर से निकले थे और यहाँ पे 8 बजे आ गए थे। और कल हमने कितना काम कम्प्लीट किया, कितने बजे तक? कम से कम 60% काम कम्प्लीट हो गया, कल रात तक नहीं हो गया था बचा था 40%, सुबह काम कम्प्लीट हो गया। रात को अगर ये नहीं आते तो हम 8:30 बजे चले जाते, लेकिन ये आए तो हम रात को 2 बजे गए। बिल्कुल भाई साहब साथ हैं, तो आपको भी काम कोई भी काम कराना तो टेंशन मत लेना, टाइमिंग की कोई इशू नहीं है, बस कॉल करके आओगे तो ज़्यादा ही रहेगा। थैंक यू सो मच सर, मिर्ज़ापुर वाला भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूर से आने के लिए, काम करने के लिए थैंक यू सो मच। तो ये तो थी इसकी बाइक की मॉडिफिकेशन एक्सट्रीम 120 बिहार की। बाकी अगर अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, रजू भाई एसकेडी को जो कि मिलता है आपको यूट्यूब पर, सेम मिलेगा इंस्टाग्राम पर भी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपका मेरा जो है डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, एड्रेस भी डला, लोकेशन भी डली हुई है। बाकी आप चाहो तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है जो कि मेरा पर्सनल नंबर है 7827271714, आप चाहो डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हो, कुछ भी मंगाना तो कुरियर भी आपका हो जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।